बाराबंकी में तीन तलाक पीड़िताओं को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पीएम आवास स्वनिधि योजना से तीन तलाक पीड़िताएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। तीन तलाक ने मुस्लिम महिलाओं का घरौंदा उजाड़ दिया। आश्रय की आस में मायके पहुंची तो वहाँ भी शरण के बजाय ताने ही मिले। मेरा तलाक तीन साल बस मेरे शौहर का साथ रहा है, उसके बाद उन्होंने अपना कनारा कर लिया तो मैं अपने घर में बैठ गई मायके में, तब माँ बाप थे, उसके बाद उनके बाद मेरा कोई सहारा नहीं रहा। 20-22 साल पहले मेरा तलाक हो गया था और मैं अपने भाई के घर रहती हूँ, भाई ने मुझे आसरा दिया है। ऐसे में केंद्र सरकार की योजनाएं उनके लिए सहारा बनी। इन महिलाओं को न सिर्फ रहने की छत मिली बल्कि खाने के लिए राशन की व्यवस्था भी हो गई। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ भी इन्हें दिया गया। बाराबंकी जिले में तीन तलाक से पीड़ित ऐसी पांच महिलाओं को आवासित किया जा चुका है। इन सभी महिलाओं ने पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। कच्चा घर रहे, छप्पड़ पड़ा हुआ रहे, मोदी जी दीन आवास तब रहा, घर हुआ है, बहुत शुक्रिया अदा है जो कि दीन तो भला खाए भी मिला और कानूनी भी मिली जो रहे का आराम हुआ। मैं एक टूटे मकान में गैरों के लड़की को लेके रही हूँ, पानी बरसता था, भीगती थी, फिर मैंने कोशिश की तो सरकार ने मुझे कानूनी दी और मुझे विधवा पेंशन दी, उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ कि राशन भी मिलता है। तीन तलाक से पीड़ित महिला खुर्शीद बानो, शाहजहां और कम्मो ने बताया कि पति ने छोड़ा तो मायके वालों के लिए भी वह बोझ बन गई थीं। आसपास के लोग ताने भी देने लगे थे लेकिन अब उन्हें आवास मिल गया है, साथ ही खाने का राशन भी मिलता है, जिसके चलते अब रहने और खाने की कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार की योजनाओं से उन्हें मजबूती मिली है। उनका कैसे शुक्रिया मैं अदा करूं? बहुत बहुत शुक्रिया उनका, और जो मुसीबतें हमने झेली हैं बस वो ऊपर वाला जानता है और मैं जानती हूं कि मैं कितने साल तक की दर बदर रही हूं, परेशानियां उठाई हूं, फाके भी किए हैं, पैसे से भी मोहताज रही हूं, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि रहने को छत मिली है और मुझे राशन भी मिलता है, और मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरा पेट भी भरता है। कच्चा घर रहे, छप्पड़ पड़ा हुआ रहे, मोदी जी दीन आवास तब रहा, घर हुआ है, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। वहीं बाराबंकी टूडा अधिकारी सौरभ त्रिपाठी के अनुसार अब तक पांच महिलाओं को पीएम आवास और दूसरी योजनाओं से जोड़ा जा चुका है। ये योजनाएं इन महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही हैं। ये पांचों महिलाएं तीन तलाक से पीड़ित महिलाएं हैं और शासन के निर्देशों के क्रम में इनको सर्वे के उपरांत इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है आवास स्वीकृत किया गया और इनके तीनों किस्तें भी दे दी जा चुकी हैं और तीनों के पांचों महिलाओं के आवास भी पूर्ण हो चुके हैं, वो इसमें निवास कर रही हैं और बाकी अन्य कई योजनाओं से भी जैसा ज्ञात हुआ है अपना इनको आच्छादित किया गया है। बाराबंकी से नितिन श्रीवास्तव के साथ ईडी न्यूज लखनऊ।